खबर फिरोजाबाद से है। हाईवे किनारे बसे मोहल्ला गंगानगर और कृष्ण नगर में पेयजल संकट बना हुआ है। जब से यह मोहल्ले बसे हैं तब से आज तक पालिका द्वारा इस मोहल्ले को पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, जिससे लोग पेयजल समस्या से जूझते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने समरसेबल पंप लगवा लिए हैं, जिससे मोहल्ले के लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और पालिका प्रशासन से मोहल्ले में पेयजल की आपूर्ति करने की मांग की है। आज 50 साल से रह रहा हूँ, अभी तक यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी। कई बार लिखा पढ़ी कर चुके हम, और यहाँ तक है कि यहाँ सरकारी टेबल था उसका 99 साल का पट्टा करके, और सरकारी समर में प्राइवेट दो समरे पड़ी हुई है, उसको बंद कर दिया गया है। लिहाजा हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। आज 50 साल से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, पानी के लिए मोहताज हैं। रात को उठते हैं, जाग जाग करके दूसरों के घर से पानी ले रहे हैं। कोई 400 रुपए में पानी महीना मिलता है, कहीं चौराहे पे से लाते हैं, बहन बेटी जाती हैं, इनकी इज्जत बेइज्जती होने का बहुत बड़ा अंदेशा रहता है। लिहाजा इसको प्रशासन को चाहिए कि हमारी पानी की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आत्महत्या करने के लिए हमें सरकार आज्ञा दे तो हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। हमें पानी की व्यवस्था चाहिए। सरकार में पानी की बड़ी हमारे यहाँ किल्लत है, ये सरकार कह रही है हाथ उठा उठा कर, हमने ये व्यवस्था करी, वो व्यवस्था करी। दो इलेक्शन हो गए, दो सरकारें बन चुकी, अभी तक हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।